हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज हम देना आउटलो 0.177 कैलिबर एयर राइफल का एक्यूरेसी टेस्ट करके देखेंगे। ये है देना आउटलो, ये आप देख सकते हैं, जेंटू हाई पावर। इसका एक्यूरेसी टेस्ट हम 50 मीटर्स पे करके देखेंगे। और दोस्तों, मैं एक्यूरेसी टेस्ट के लिए दो स्लाग और दो पैलेट्स चलाएँगे, नॉकआउट 13.43 ग्रैंड स्लाग, जी स्मिथ 14 ग्रैंड स्लाग और जे एस बी एग्जैक्ट मॉन्स्टर डायबोलो 13.43 ग्रैंड रीडिजाइन और क्यू आई एस 9.56 ग्रैंड पैलेट्स चलाएंगे। टारगेट ऑलरेडी सेट है दोस्तों, एग्जैक्टली 50 मीटर्स पे, और मैं गोप्रो माउंट के थ्रू रिकॉर्डिंग करूँगा। हम ज़्यादा शॉट्स नहीं करेंगे, सभी स्लाग और पैलेट्स से 4 शॉट्स ग्रुपिंग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शूटिंग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा है नॉकआउट, इसमें लिखा है जी स्मिथ और इसमें लिखा है जे एस बी और इसमें लिखा है क्यू आई एस। तो पहले मैं नॉकआउट चलाऊँगा और हम यहाँ टेस्ट करके देखेंगे कितना मील डॉट होल ओवर करना होगा, मैं होल डाउन करना होगा या फिर जीरो करके मैं शॉट लगाऊँगा। अच्छे से अच्छे ग्रुपिंग बनाने के लिए कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर मैं चलाऊँगा पहले, ये आप देख सकते हैं। और मैं मैगजीन यूज़ नहीं करूँगा, सिंगल शॉट ट्रे, सिंगल शॉट ही करूँगा। चलिए पहले यहाँ चला के देखेंगे एक। ओके, बहुत ऊपर लगा हुआ है, और एक शॉट करके देखेंगे फिर हम ग्रुपिंग बनाएंगे। रेगुलेटर प्रेशर का वजह से भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ शॉट करूँगा पहले। ओके, ठीक है, चलिए अब मैं इसमें चलाऊँगा, यहाँ हम ग्रुपिंग बनाएंगे। दोस्तों आप हवा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हवा है आज भी, पर कोई ना, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। पता नहीं, मैं बहुत हिल रहा हूँ। वन मोर शॉट, बस दोस्तों अब मैं चलाऊंगा जी स्मिथ 14 ग्रैंड स्लाग। चलिए इसका जीरो हम देखेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहाँ लगता है इसमें हम देखेंगे। ओके, हल्का सा ऊपर, चलो कोई ना। तो हम होल डाउन करेंगे एक मील डॉट यहाँ, पता नहीं दोस्तों कहाँ शॉट किया है। चलिए फिर हम इसमें एक बार शॉट करके देखेंगे साइड में। ओके, वन मील दो नहीं, वन
टू मिल डॉट ऊपर शॉर्ट कर रहा है, तो मैं जीरो कर लेता हूँ इसे। चलिए यहाँ शॉर्ट किया, एमिंग क्या, एमिंग पॉइंट है ये, ओके। चलो अभी शॉर्ट्स लगाते हैं, कंटिन्यू करेंगे हम शायद ये 14 ग्रेन्स लॉक। इसमें इसका बैरल में सुइटेबल नहीं है, उसके कारण ग्रुपिंग आई मीन इधर उधर शॉर्ट हो रहा है। वन मोर शॉट, बाद में हम देखेंगे ग्रुपिंग। ओके दोस्तों बस अब मैं चलाऊंगा जेस बी मॉन्स्टर रीडिजाइन्ड 13.43। ये कहाँ शॉट करता है वो भी हम पहले देखेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट लगाता हूँ, और एक शॉर्ट, लो आप देख सकते हैं। चलो चलिए अब बनाते हैं ग्रुपिंग। यहाँ लिखा है JSB 13.43। वन टू थ्री बढ़िया। बस दोस्तों अब मैं चलाऊंगा QYS 9.56, इसका भी हम देखेंगे कहाँ शॉट होता है इम्पैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। चलिए यहाँ एम करके शॉट लगाते हैं। ओके और एक चलो अब शॉर्ट्स लगाते हैं, आई मीन ग्रुपिंग बनाएंगे इसका भी।
बस दोस्तों, चलिए नॉकआउट से और एक ग्रुपिंग बनाएंगे हम। नॉकआउट 13.43 ग्रेन्स स्लाक, और यहाँ पे शॉर्ट करके देखेंगे। ओके, नीचे शॉर्ट हुआ। चलो और एक बार सोर्स लगाते हैं, इसको जीरो कर लेते पहले। बढ़िया, यहाँ पे मैं सोर्स लगाऊंगा। ओके, नीचे में। ओके, अभी वही पे हम सोर्स लगाएंगे और एक ग्रुपिंग बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर। जो हमारा चार नंबर शॉट है बहुत नीचे लगा है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखाता हूँ किस तरह का ग्रुपिंग बना है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा रिजल्ट। इस पे मैंने लिखा है नॉकआउट 13.43 ग्रेन्स। इस पे चलाया, इस पे जी स्मिथ। जी स्मिथ का स्लाक है ना, इससे फेवर नहीं करता। ये 14 ग्रेन्स है, 12.5 बहुत अच्छी तरह फेवर करता है, लेकिन 14 ग्रेन्स को फेवर नहीं करता। शायद जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है उसे मिल नहीं पा रहा था, उसके कारण भी हो सकता है। ये 14 ग्रेन्स जी स्मिथ इंडियन मैट स्लाक है। और इस पर चलाया रीडिज़ाइन, JSB रीडिज़ाइन 13.43। इस पर चलाया QIS करीब, इसका वेलोसिटी 960-970 FPS में चल रहा था, 60-70 के करीब चल रहा था, 960-70 FPS के करीब। तो इतना वेलोसिटी में, हाई वेलोसिटी में मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा ग्रुपिंग नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा ग्रुपिंग आया है। हम मेज़र करके देखेंगे वो भी। और इसमें मैंने रीग्रुप किया JSB नॉकआउट का। चलिए मेज़र करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं सेटिंग इंस में है और जीरो किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक फ्लायर है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, जहाँ पे तीन स्लाक शॉट किया, इसका सेंटर टू सेंटर मेज़र हम लेंगे। ये आप देख सकते हैं 0.59, आप देख सकते हैं हाफ इंच से थोड़ा सा ऊपर, एक इंच से कम। और इसमें जी स्मिथ का मैंने चला, इसे हम नाप नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा ग्रुपिंग है, ये तो देखिए साइड फेवर नहीं करता जी स्मिथ का 14 ग्रेन स्लाक इसका बैरल को। और इसमें मैंने चलाया JSB रीडिज़ाइन 13.43, इसका भी हम नाप लेंगे सेंटर टू सेंटर। देखिए आप देख सकते हैं 0.75, बहुत अच्छा ग्रुपिंग है, एक इंच से कम, हाफ इंच से थोड़ा सा ऊपर ये भी। और ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था QIS से हाई वेलोसिटी में। चलो इसका भी हम नाप लेके देखेंगे सेंटर टू सेंटर। ये रहा 0.47, हाफ इंच से भी कम ग्रुपिंग है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ग्रुपिंग है। और मैंने इसमें फिर चलाया, रीग्रुपिंग किया नॉकआउट 13.43 का। एक फ्लायर जो लास्ट शॉट था बहुत नीचे शॉट किया है, फ्लायर है तो ऊपर वाला जो है ना, आप ग्रुप से, चार ग्रुप से इसको हम काउंट करेंगे। ये देखिए सेंटर टू सेंटर 0.45 दोस्तों, हाफ इंच से भी कम ग्रुपिंग है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रुपिंग है। देखिए सो दोस्तों, आप सभी ने देखा किस तरह का रिजल्ट बना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यही रीज़न है मैं आप सभी को दियाना आउटलो हाई पावर रिकमेंड करता हूँ अंडर 1 लैक, द बेस्ट एयर राइफल, ये आपका बेटर चॉइस होगा अंदर 1 लेक में, क्योंकि इसमें स्लाक और पैलेट्स दोनों ही बहुत बढ़िया चलता है। जी स्मिथ का 12.5 ग्रैंड स्लाक है ना, वो भी बहुत बढ़िया चलता है। और फिलहाल मेरा पास स्टॉक में नहीं है, इसीलिए मैं चला नहीं पाया। ये ओल्ड वाला मॉडल है, इसे भी रीडिज़ाइन किया गया था, पर जो रीडिज़ाइन किया वाला वो भी मेरे पास नहीं है, ये ओल्ड वाला है। जो पुराना वाला डिज़ाइन है
शायद उसका वजह से भी फेवर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने ट्राई किया है, नॉकआउट बहुत बढ़िया चलता है। हवा आप देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया हवा है, कभी हवा फ्लो होता है, कभी अचानक रुक जाता है, उसके कारण भी ग्रूफिंग थोड़ा पहला हुआ है। लेकिन आप मान सकते हैं जेएस भी नॉकआउट से और मोस्ट सिंगल होल करता है 50 मीटर्स में ये एयर राइफल। और दोस्तों इसका जो मेन रीजन है इसे मैं रेकमेंड करने का, इसका जो एक्सेसरीज है ना वो भी बहुत ईजिली पाया जाता है। इसका सेम प्राइस रेंज में आपको बेंजामिन, मारोदर, फ्लोटीट्यूड वगैरह वगैरह और भी बहुत सारा हेसन का ग्लेडियस मिलेगा। उसका दिक्कत क्या है उस एयर राइफल का, उसमें आपको एक्सेसरीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो इसका एक्सेसरीज है वो इजीली पाया जाएगा आपको, और ये इंडियन मार्केट में कहीं पे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। ये हाई पावर है, इसमें लो पावर भी होता है, लो पावर स्लॉग कैपेबल नहीं होता, आप लो पावर भी आप बाय कर सकते हैं मार्केट से। लो पावर में आप फेलेक्स बहुत बढ़िया चलेगा लेकिन स्लॉग नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो नहीं मिल पाता। एक स्लॉग शूटिंग के लिए कम से कम आपको 850 to 860 FPS चाहिए। सो मैंने इसे फिलहाल स्लॉग के लिए सेटिंग किया है, JSB नॉकआउट स्लॉग के लिए। सो दोस्तों बस उतना ही, आप सभी ने देखा बहुत अच्छा ग्रुपिंग बनाया है सभी पैलेट्स और स्लाग से, एक्सेप्ट जी स्मिथ 14 ग्रेन्स। हम मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह मुझे देर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।